थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन 6.14। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इनथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमको CH3OH की स्टैंडर्ड इनथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। जब भी हमको स्टैंडर्ड इनथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना होता है तो हम स्टैंडर्ड इनथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस स्टैंडर्ड इनथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास स्टैंडर्ड इनथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाता है। मतलब CH3OH मिथेनॉल का फाइंड करना है। अब हम सबसे पहले रिएक्शन बनाएंगे। CH3OH हमको चाहिए तो हम CH3OH किससे बना सकते हैं? ठीक है, तो हमको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH यानी मेथनॉल निकालना है तो उसके लिए हम सबसे पहले रिएक्शन बनाएंगे। उसके प्योर एलिमेंट से फॉर्मेशन करेंगे मिथेनॉल का। तो अगर हमको प्योर एलिमेंट से बनाना है मिथेनॉल तो हमारे पास रिएक्टेंट में क्या क्या होना चाहिए? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमने कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, फिर रिएक्शन को बैलेंस किया। इस तरफ हमारे पास कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी एक ही कार्बन है। इस तरफ हमारे पास चार हाइड्रोजन थे तो H2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 हाइड्रोजन हो गए। इस तरफ हमारे पास एक ऑक्सीजन था। अब हमको पता है जो ऑक्सीजन है डायटोमिक गैस है, सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए आगे लिखा 1/2 O2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन आ जाएगा, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, कार्बन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी गैस होती है। जो CH3OH है हमारा मिथेनॉल बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा हमको। ठीक है, अब हमको निकालना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। तो मैंने जैसा कि बताया जब हमको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना होता है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करते हैं। ये समेशन का साइन है। समेशन का साइन मतलब जितने भी रिएक्टेंट है उनकी सारी फॉर्मेशन इंथैल्पी को ऐड करो और उसको माइनस करो उसमें से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारे पास एक ही था तो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले रिएक्टेंट में क्या क्या है हमारे पास? कार्बन, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन प्लस दूसरा रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसलिए ऑक्सीजन का नहीं लिखा है। उसके बाद माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारे पास एक ही है जो कि है मिथेनॉल CH3OH, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH इतना हो गया। उसके बाद इन सब की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, बस वैल्यू पुट अप करनी है। तो सबसे पहले कार्बन के लिए जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो हमको क्या दे रखी है? -393। उसके बाद प्लस H2 के लिए क्या दे रखी है हमको? -286। ठीक है, उसके बाद माइनस प्रोडक्ट है हमारा मिथेनॉल, मिथेनॉल की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमको क्या दे रखी है? -726। सारी किलो जूल मोल इनवर्स में है तो ओवरऑल लिख देंगे यहाँ पे किलो जूल मोल इनवर्स। हाँ, फिर हमने जब रिएक्शन को बैलेंस करा था तो हमारे पास H2 के कितने मोल थे? 2 थे, तो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 था, तो यहाँ पे भी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 लिख लेना। उसके बाद -393 इंटू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, 1 17, 4 5, -572। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 726। अब -393 और -393 में -572 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस के 965। और यहाँ पे था प्लस 726, माइनस के 965 में से प्लस के 726 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे माइनस का 230। और हमारा जो यूनिट थी किलो जूल मोल इनवर्स, सॉरी यहाँ पे 15 में से 6 जाएंगे तो 9 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको जो पूछा था स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, तो ये आ गया हमारे पास -239 किलो जूल मोल इनवर्स। किसी स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम?